सो फ्रेंड्स, ये शलवार डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है। 2 मीटर में हम 40 इंच की लेंथ तक की शलवार रेडी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो फैब्रिक है, आप कॉटन भी ले सकते हैं और इस तरह का प्लेन रेयन भी ले सकते हैं। एंड शलवार की डिज़ाइनिंग के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर गोटा पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर मैंने ये गोल्डन कलर का गोटा पट्टी ली है इस तरह से। एंड इसके साथ हमने थोड़ा सा ये ट्रायंगल लेस ली है, जो हमें इसकी मोरी है उसमें डिज़ाइन करनी होगी। सो ये हम साइड में रखते हैं, पहले शलवार की कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, 2 मीटर फैब्रिक को हम किनारे वाली साइड से डबल कर लेंगे, तो ये डबल फोल्ड है। इसके बाद अब हम इसको अरज़ में 4 फोल्ड कर लेंगे। सो ये ओपन साइड है, 4 लेयर है, और ये फोल्डेड साइड है। अब ऊपर से जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है, इसको कट करके सीधा कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद जो मेरे फैब्रिक की विड्थ है वो लगभग 22 इंच है, 44 इंच इसका टोटल पना था। अब देखिए, हम शलवार की लेंथ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 6 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे, क्योंकि 6 इंच की लेंथ पर हमारी बेल्ट रेडी होगी। एंड इसके बाद अब हम अपनी शलवार की रेडी लेंथ देखेंगे। तो नॉर्मली हमारी शलवार की जितनी भी लेंथ है, उससे हम 1 इंच कम लेंगे शलवार को। यानी मेरी नॉर्मल शलवार 38 इंच रहती है, तो यहाँ पर हम 37 इंच की लेंथ पर ये शलवार की जो लेंथ है वो रेडी रखेंगे, क्योंकि ये शलवार थोड़ी छोटी रहेगी, एंकल लेंथ है, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। तो मैंने 1 इंच कम कर लिया है, जो 37 इंच हो गया है। अब 37 में से हम 3 इंच और माइनस कर लेंगे, क्योंकि 3 इंच का हम इसमें मोरी बनाएंगे, तो नीचे जो बुकरम हम लगाएंगे वो 3 इंच की होगी। तो यहाँ से 3 इंच हम इसमें से माइनस कर लेंगे। आप देखिए, किसी भी लेंथ की अगर आप शलवार बना रहे हैं तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी शलवार की जो यहाँ लेंथ है वो 28 इंच है। तो 28 इंच पर हमारा ये ऊपर वाला शलवार का जो लेंथ है वो तैयार होगी। तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, जो ऊपर नीचे से आधा आधा इंच सीमिंग अलाउंस के लिए होगा, तो हो गया 29 इंच। तो 29 इंच पर हमने इसकी लेंथ को कट करना है। सो 29 इंच पर हम आगे भी सीधा मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हमने देखिए 29 इंच पर मार्क किया, एंड इसको और आगे भी इसी तरह से सीधा मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस मार्क को हम पीछे तक मिला लेंगे, एंड इसके बाद इसी मार्क पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अभी जो फैब्रिक बचा है, इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक था 2 मीटर से, तो टोटल हमें सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। अब देखिए, दोनों साइड से ये ओपन है, सो किसी भी साइड से हम अपनी मोरी की मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने 6 इंच पर मोरी की मार्किंग की है, एंड इसके आगे की तरफ लगभग 9 से 10 इंच हम और फैब्रिक बढ़ा लेंगे, तो टोटल हमारा लगभग 15 से 16 इंच की विड्थ पर हम यहाँ पर मोरी ले लेंगे। इसके बाद देखिए, ये वाली साइड जो ओपन साइड है, यहाँ से हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो ऊपर से हम 6 इंच बेल्ट के लिए निकाल देंगे, और जितना भी हमें अपनी क्रॉच की लेंथ चाहिए उस पर मार्क कर लेंगे। तो 15 इंच पर मैंने मार्क किया है, और ये इस तरह से 9 इंच पर आया है। इसके बाद इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो क्रॉच है वो बिल्कुल सीधा रख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कर्व शेप भी क्रॉच की रख सकते हैं। सो दोनों तरह से आप बना सकते हैं, बट मैं यहाँ मयानी लगा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको सीधा रखा है, ताकि जो बिगनर्स लोग हैं वो मयानी को क्रॉच गोलाई वाले क्रॉच में आसानी से नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पर हम क्रॉच सीधा रख रहे हैं। सो इस तरह से शलवार की कटिंग हो गई है। अब ये 2 पीस जो निकले हैं, इसमें से हम 2 पीस निकालेंगे और इसकी मयानी कट करेंगे। तो मयानी की कटिंग सिंपली इस तरह से हम जो भी आसन की लेंथ है इतना लेकर इसको इस तिरछा करके फोल्ड करेंगे, और नीचे से लगभग 3 इंच की चौड़ाई लेकर हम मयानी कट कर लेंगे। तो मयानी कट करना बहुत ही आसान है। इस तरह से ये हमारी मयानी कट हो चुकी है, और मयानी की जो लेंथ है हमने क्रॉच की लेंथ के बराबर ली है। इसके बाद देखिए, जो बचा हुआ फैब्रिक है हमने उसमें से बेल्ट कट कर ली है। सो दोनों पीस हमारे बेल्ट के बराबर हैं। बेल्ट की लंबाई हमने 8 इंच कट की है, 6 इंच पर ये रेडी हो जाएगी। एंड इस तरह से जो इसकी गोलाई है वो 24.5 है, 23.5 पर ये रेडी हो जाएगी। अब दोनों साइड से हम इसको 1/2 इंच का दबाव देकर सिल लेंगे, और यहाँ से नेफा फोल्ड करके इलास्टिक भी इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी शलवार में मयानी अटैच करेंगे। तो ये जो शलवार है हमारी 2 पार्ट में है इस तरह से। अब हम अपनी मयानी लेंगे और यहाँ से मयानी को अटैच कर देंगे 1/2 इंच का दबाव लेकर इस तरह से। एंड इसके बाद अब जो दूसरा वाला पार्ट है मयानी का, शलवार का,
सो शलवार का दूसरा आसन भी हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। एंड इसी तरह से अब हम दूसरी वाली मियानी भी इस साइड में ज्वाइन करेंगे और ये दूसरा वाला पार्ट भी हम इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये मियानी लगा लेनी है एंड मियानी लगाने के बाद अपनी बेल्ट को शलवार के साथ प्लेट्स डालकर इसको रेडी कर लेना है। तो लीजिए इस तरह से ये हमने शलवार रेडी कर ली है, ये मियानी लगाई है और मियानी के ऊपर एक पट करके भी हमने सिलाई लगा ली है किनारे पर इस तरह से। एंड आगे की तरफ हमने ये प्लेट्स डाली हैं और बैक साइड में सिर्फ हमने दो प्लेट्स डाली हैं। सो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नॉर्मल हमारी सिंपल शलवार की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है और साथ में मैंने इलास्टिक भी डाल दी है। इसके बाद अब हम इसकी मोरी यानी बॉटम तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर पेस्टिंग को फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई मैंने इसकी लगभग 14.5 इंच ली है और ये जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। दोनों साइड से आधा आधा इंच मैंने छोड़ते हुए पेस्टिंग बुकरम को इस पर चिपका लिया है एंड लंबाई हमारी बुकरम के बराबर रहेगी। इसके बाद अब हमने इस पर गोटे से डिज़ाइनिंग करनी है। सो ये आप इस तरह से तिरछा करके भी लगा सकते हैं और इस तरह से सीधा करके भी गोटे को लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर बिल्कुल सीधा करके इस तरह से लगाऊँगी। आप चाहे तो ये गोटा पट्टी से जो डिज़ाइनिंग है वो तिरछा करके भी लगा सकते हैं एंड यहाँ पर कॉलम भी बना सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं बिल्कुल सिंपली इसको सीधा सीधा करके इस तरह से पूरी पट्टी में गोटे को लगा लूँगी। एंड गाइज, इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लीजिए गोटा पट्टी हमने इस तरह से लगा ली है। इसके बाद साइड से जो धागा और गोटा हमारा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। तो फैब्रिक से आगे की तरफ जितना भी धागा और गोटा निकल रहा है इसको हमने ट्रिम कर देना है। एंड इसके बाद अब हमने देखिए यहाँ पर ट्रायंगल लेस लगानी है। सो इस साइड से जो आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है यहाँ पर हमने ट्रायंगल लेस इस तरह से रखनी है, यानी जो हमारी बुकरम है उसके ऊपर हमने ट्रायंगल लेस को रॉन्ग साइड ऊपर रखनी है इस तरह से। तो ट्रायंगल लेस की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर रहेगी इस तरह से और आधा इंच फैब्रिक के बाद ही हमने ट्रायंगल लेस को इस तरह से रखना है। तो यहाँ से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड जब हम करेंगे तो जो बुकरम की किनारी है इस पर मार्क कर लेंगे एंड इसी मार्क पर रखते हुए हमने ट्रायंगल लेस को सिलना है। सो ध्यान रहे यहाँ पर ट्रायंगल लेस को हमने उल्टा करके रखा है, रॉन्ग साइड ऊपर है। इसके बाद जब हम इसको टर्न करेंगे तो इसकी राइट साइड इस तरह से आ जाएगी इस तरह से। अब देखिए इसी के बराबर हमने एक और फैब्रिक पट्टी ली है जिसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसकी जो चौड़ाई है वो इसी के बराबर है एंड इसी के बराबर इसकी लंबाई है। तो बिल्कुल इसी के बराबर हमने एक फैब्रिक पट्टी ले लेनी है। अब जिधर हमने ट्रायंगल लेस लगाई है उस तरफ हमने ये फैब्रिक पट्टी को रखना है और यहाँ से एक सिलाई लगानी है। सो गाइज़, ये जो सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर लगेगी जिस सिलाई पर हमसे हमने ट्रायंगल लेस लगाई है। तो ये जो ट्रायंगल लेस है वो हमने बिल्कुल बुकरम के एजेस पर लगाई है यहाँ पर। सो यहीं पर ही हमने इसको सिलना है, तो उसी सिलाई को फॉलो करते हुए इसको सिल देंगे। एंड इसके बाद अब ये जो फैब्रिक पट्टी है रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न हो जाएगी इस तरह से। सो ये इसकी आप रॉन्ग साइड देख सकते हैं। इसके बाद अब हमने इसके ऊपर एक कवर स्टिच करनी है यहाँ से, तो नीचे का फैब्रिक जो है वो खींचते हुए यहाँ से खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे ताकि यहाँ पर कोई झोल ना आए। तो प्रॉपर इसको नीचे की तरफ खींचते हुए एक ट्रायंगल लेस की किनारे पर यानी फैब्रिक पर एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए मोरी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसके बाद हम इसको शलवार के साथ अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हमने बीच में से फोल्ड करके एक मिडिल में नॉच लगा लेना है। तो बराबर बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर छोटे से कट लगा लेंगे। सो ये कट हमारे सेंटर में रहेंगे जहाँ पर हमने ये मार्क किया है। इसके बाद देखिए शलवार को हमने सीधी तरफ ऊपर रखा है और शलवार का जो हमारा सेंटर है ये हमने यहाँ पर नॉच लगाया था। तो ये शलवार का जो मोरी है उसका सेंटर है, उसी सेंटर से हमने अपने इसका जो पाइचा है उसका सेंटर रखना है इस तरह से। तो मोरी के सेंटर पे भी मार्क कर लेंगे। इसके बाद देखिए दोनों सेंटर को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। अब देखिए जो हमने मोरी रेडी की है
उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ रखी है ये वाली, एंड इसके ऊपर हमने शलवार की राइट साइड रखी है। अब यहाँ से हाफ इंच का दबाव लेकर हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले लगभग डेढ़ इंच का हम मार्क कर देंगे जो हमारा सीमिंग अलाउंस में जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप जो प्लेट्स हैं वो इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं। तो आप चाहें तो बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं या फिर एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स बना सकते हैं, और ये डायरेक्शन आप किसी भी साइड में रख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर गैदर्स भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच की प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में बनाऊँगी, और ये प्लेट्स मैं पूरी मोरी में बराबर इस तरह से डालती जाऊँगी। तो इस तरह से हमने प्लेट्स डाल ली हैं। इसके बाद बुकरम को हम राइट साइड में इस तरह से टर्न करेंगे, और ये हाफ इंच का दबाव इस तरह से अंदर करते हुए ऊपर वाला जो हमारा दबाव है उसको भी हमने इसी के अंदर करके एक सिलाई लगानी है। और इसी सिलाई के साथ साथ हम यहाँ पर ये ट्रायंगल लेस भी इंसर्ट कर देंगे, यानी इसी के साथ हमने ये ट्रायंगल लेस भी लगा देनी है। सो ट्रायंगल लेस को भी हम बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने नीचे मोरी में लगाई थी। तो बस हमने ट्रायंगल्स को बाहर की तरफ निकालना है और किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। सो गाइज, इसी के साथ हमारी मोरी बिल्कुल रेडी हो गई है, एंड मोरी के आप रॉन्ग साइड देख सकते हैं ये कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। सो इस तरह से यहाँ पर हमारे जो एजेस हैं वो अंदर चले गए हैं और मोरी रेडी हो गई है। इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो फिटिंग आपको जितनी भी रखनी है उसी के हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर मोरी की फ़िटिंग लगाऊँगी। डेढ़ इंच का ये मार्जिन आ गया है इस तरह से। अब यहाँ से हम 4 से 3 सिलाई लगाकर इसको अच्छे से लॉक करेंगे, एंड सिलाई को ऊपर ले जाते हुए मार्जिन को थोड़ा कम कर लेंगे। मार्जिन लगभग हमने 1/2 से 1.25 इंच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके बाद जो हमारा मैनी वाली साइड है इसको बराबर पकड़ के रखेंगे यहाँ इस तरह से, और यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। तो मैनी की जो सिलाई है वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, दोनों मैनी एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। एंड गाइस, पहले हमने दोनों मोरियाँ बना लेनी है, इसके बाद हमने ये फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, और इसी फिटिंग के साथ जो है हमारी शलवार बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इस शलवार के साथ मैंने क्या बनाया है तो उसका वीडियो आपको एंड स्क्रीन में भी मिलेगा यहाँ पर, एंड पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका वीडियो दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख लेना। सो इसी के साथ वीडियो कम्प्लीट होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।